तो आइए एक नया दिन स्टार्ट करते हैं नए जोश और नए लेक्चर के साथ में। और जोश इतना होना चाहिए स्टार्टिंग से ही ताकि शाम तक आप लोग अपनी गड्डी को बिल्कुल फास्ट तरीके से चलाते रहें। ये नहीं कि गड्डी डोल डोल के चल रही है कि भैया बस दिन पूरा कर लिया। अगर कोई पूछे तो कैसा रहा दिन भैया, तो बोलो कि भैया शानदार तरीके से जिया है। इस तरीके से अगर लाइफ को आप लोग रखोगे तो जिंदगी आप लोगों की हसीन बन जाएगी और आप लोग लाइफ को एंजॉय करोगे। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। ये लेक्चर हमारा तीन पार्ट में डिवाइड रहता है। पहले एक जेई टेक के बारे में डिस्कस करते हैं, एक क्विज देखते हैं, उसके बाद में डिटेल में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये जीआई टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर इसको हिंदी में भौगोलिक संकेतक भी बोलते हैं। सोलापुरी चादर के बारे में आप लोगों से पूछा था। कोई भी पर्टिकुलर अगर किसी एरिया की स्पेशलिटी होती है उसको जीआई का टैग दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सोलापुरी चादर जो है ये एक तरीके की स्पेशल कढ़ाई आप लोगों को इन पर दिख रही होगी। तो ये स्पेशल कढ़ाई जो है यहाँ पर, ये अलग तरीके की स्पेशलिटी ये यहाँ पर सोलापुरी चादर है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैंडीक्राफ्ट एंड के हथकरघा के तहत इसको जीआई के टैग का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट जो आप लोगों को सर्च करना है ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है मैसूर अगरबत्ती के बारे में। वही जो आप लोग अपना भगवान के आगे जो भी अगरबत्तियां वगैरह जलाते हैं, ये एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है यहाँ पर मैसूर अगरबत्ती की। किस राज्य के तहत इसको जीआई का टैग दिया गया और किस तरीके की कैटेगरी में ये आता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। जाकर सर्च कीजिएगा इसके बारे में हल्का सा, फिर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। रीजन ये रहता है सर्च करने के लिए बोलता हूँ, पिक्चर देखिए ताकि आगे एक बार खुद से देखेंगे फिर मैं दिखाऊंगा, तो इस तरीके से क्या होगा आप लोग लंबे समय तक उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, फिर कल पिक्चर सब चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। आगे बढ़ता हूं, आइए बात करते हैं वार्म अप क्विज के बारे में। अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। कई सारे क्वेश्चन ये पास्ट में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी फ्यूचर में पूछने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले यहां पर एक प्लान के बारे में बताना है, जो कि आसाम में यहां पर लॉन्च किया गया था एलिफेंट को एक्सीडेंट रोकने के लिए। जो ट्रैक पार करते हैं रेलवे का, तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई सारे हाथियों की जान जाती है, उसको रोकने के लिए हमारी कंट्री के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया था प्लान। इसका नाम आप लोगों को बताना है, प्लान का नाम क्या था। पीएम के द्वारा अटेंड किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये समिट दीनदयाल हस्तकला संकुल हमें आप लोगों को देखने को मिला। ये क्या था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए खासकर जो कि बेचा जा सके और खासकर एक इम्प्रूव वर्जन देखने को मिले, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक आप लोग बोल सकते हैं ट्रेड का हब बनाने की बात की गई। तो कौन से राज्य के अंदर था ये आप लोग को बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डेडिकेट किया गया यहाँ पर साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पर बनाया गया ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है, रिसेंटली अभी 75th एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर सेलिब्रेट की गई 30 दिसंबर में, तो ये प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर झंडा भी फहराया गया। तो किस इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड था यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, काफी इंपोर्टेंट था यहाँ पर इनके लिए। यहाँ पर स्टैम्प भी जारी किया गया, एक कॉइन भी देखने को मिला, तो ये काफी इंपोर्टेंट था यहाँ पर। आगे बात की जा रही है, मिस फिलिपिन जो कि अभी मिस यूनिवर्स बनी उनका नाम क्या था ये आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री है साउथ एशिया में जो कि फर्स्ट कंट्री बनी जिसके द्वारा यहाँ पर जो मैरिजुआना ये अभी रिसेंटली जिसको मेडिकल यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पर अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 2018 के तहत, ये किसको रिप्लेस करने की बात यहाँ पर कर रहा है ये आप लोगों को बताना है। अभी आंसर बताऊंगा, मैच कीजिएगा उनके साथ में और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। सबसे पहले ये हनी बी प्लान, जो कि एलिफेंट होते हैं उनको ताकि वो ट्रैक पर जाकर उनकी जान न जाए उसको रोकने के लिए रेलवे के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये अटेंड की गई इनके द्वारा ये मीटिंग। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की जो बात की गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी वाराणसी में। यहाँ पर ये लॉन्च किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये वाराणसी में यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात की जा रही थी जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर सेलिब्रेट की गई 75th एनिवर्सरी, तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पूछा गया मिस यूनिवर्स के बारे में, इनका नाम है कैटरीना ग्रे, जिनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मिस यूनिवर्स का खिताब इनको अभी दिया गया। थाईलैंड के द्वारा यहाँ पर अभी अप्रूव किया गया मैरिजुआना को यूज करने के लिए और फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री ये बन गया। नेशनल कमीशन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रिप्लेस करने वाला है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को। रीजन क्या है, कमीशन जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है, काउंसिल जो रहती है वहां पर कुछ लोगों को चुना जाता है, यानी कि ज्यादा कंट्रोल कमीशन के ऊपर रहता है यहाँ पर एज कम्पेयर टू काउंसिल। आप लोगों को मैंने एक लेक्चर भी बनाया था डिटेल में क्या डिफरेंस होता है कमीशन और काउंसिल के बारे में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड काउंसिल बाई वीर, आप लोग जाकर सर्च करेंगे तो डिटेल में एक लेक्चर है 5-7 मिनट का, आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है ईरान के बारे में। आप लोगों को बताना है मैप बेस्ड क्वेश्चन, ईरान कहां पर लोकेटेड है, काफी न्यूज में है आप लोगों को बताया ईरान न्यूक्लियर डील और यूएसए की हरकतों की वजह से। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है, ब्लैक सी और पर्शियन गल्फ के बीच में पड़ता है,
कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में पड़ता है या फिर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में पड़ता है। तो कहां पर है ये लोकेशन, ये आप लोगों को बताना है। आइए देखते हैं, तो ये हो गया यहां पर ईरान, आप लोग देखेंगे ये हो गया ईरान, यहां पर ये हो गया कैस्पियन सी और नीचे हो गया पर्शियन गल्फ। तो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में जो कंट्री पड़ता है यह है ईरान। पास्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आंसर आप लोगों के सामने सी, यानी कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ। तो ये हो गया आप लोगों के सामने आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है सफाई कर्मचारी के बारे में, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी उसके बारे में स्टेटमेंट बोल रहा है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बात यहां पर की जा रही है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक बॉडी है पहली बात। दूसरी बात जो बोली जा रही है यहां पर, ये मॉनिटर करता है इंप्लीमेंटेशन प्रोबेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्केवेंजिंग, जो यहां पर इनका रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं 2010 में जो एक्ट निकल कर आया, बहुत सारे आर्टिकल और कई बार इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तीसरी बात बोली जा रही है कि स्यू मोटो एक्शन ले सकता है, अगर इनसे रिलेटेड कोई इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिल रही है तो ये खुद से अपने हिसाब से यहां पर बोल सकता है कि हाँ ऐसा कुछ मुझे करना है क्योंकि इनसे रिलेटेड जो मैटर है वो इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। ए में हो गया 1 और 2, बी में हो गया 2 और 3, सी में हो गया 1 और 3, डी में हो गया 1, 2 एंड 3। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है जिसके तहत यहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आता है और 1999 में फर्स्ट टाइम यहां पर इसके लिए लॉ निकल के आया था, फिर आगे चीजें इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये मैनुअल स्केवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन की जो बात करते हैं, ये एक्ट जो है ये 2013 का है, कई बार इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है और ये एक्ट डायरेक्ट भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। मतलब बात यहां पर ये करता है कि किस तरीके से यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार गटर में लोगों को उतार दिया जाता है, उनसे काम कराए जाते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है सोसाइटी में, वो तमाम मुद्दे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया यहां पर ए। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं यहाँ पर एक अभी ट्रेन स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट है और पूछा गया कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यहाँ पर ऑप्शन भी आप लोगों के सामने, तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। वंदे भारत एक्सप्रेस फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप इंजन लेस ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यानी कि सबसे पहली बात तो बोली जा रही है यहाँ पर इंजन लेस है और दूसरा बोली जा रही है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बोला जा रहा है कि ये जो बनाई गई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री केरला के द्वारा ये बनाई गई है। तीसरी स्टेटमेंट है यहां पर, ये जो रन करती है दिल्ली और मुंबई के बीच में रन करती है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट की गई दिल्ली और मुंबई के बीच में देखने को मिला। तीसरी स्टेटमेंट है यहां पर 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहां पर इसको बनाया गया। आप लोग अगर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो 2 स्टेटमेंट में आप लोगों को अपोजिट चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर बोला गया सेमी हाई स्पीड और यहां पर बोला जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट अपोजिट है, इनमें से कोई सी एक स्टेटमेंट सही होगी। और अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लोग और लगाएंगे तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री में जो ट्रेन होती है वो ज्यादा स्पीड से नहीं दौड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट सही होगी और ये वाली गलत होगी, तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। और पूछा गया है गलत स्टेटमेंट, तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। और अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो इंडिजिनियसली डेवलप बोला गया है, तो यानी कि हमारे द्वारा कंप्लीटली ये ट्रेन बनाई गई है, यानी कि हमारी स्वदेशी ट्रेन है यहाँ पर, तो 100% मेक इन इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गई और थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे आंसर हो गया यहाँ पर बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। आइए डिटेल में अब एक बार नजर डाल लेते हैं आंसर के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है, इस ट्रेन को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको ट्रेन 18 आप लोग बोलते हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन ही आप लोगों को देखने को मिलती है, लगभग 160 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। जो मैंने केरला में फैक्ट्री यहां पर लिख रखी है वो केरला नहीं है, यहां पर ये चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु के अंदर, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गई। 100% यहां पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते थे वैसे देखा जाए तो। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर अपॉर्चुनिटी रोवर के बारे में। अपॉर्चुनिटी रोवर से रिलेटेड जो बातें हैं, ये बोला गया कि किसका मिशन था, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारी कंट्री की इसरो का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए का, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी यानी कि सीएनएसए का, या फिर नासा जो आप लोग बोलते हैं इसको, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर उसका था या, तो किसका ये प्रोजेक्ट था, तो आंसर है इसका डी, यानी कि नासा का। ये जो प्रोजेक्ट था ये 2004 से लेकर 2015 तक काम किया इसके द्वारा और अब यहां पर इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि जितनी इसकी लाइफ थी वो कंप्लीट हो गई।
तो ये मार्स के लिए मिशन था, यानी कि मंगल के लिए यहां पर मिशन था जो कि यूएसए के द्वारा छोड़ा गया था। लगभग 15 साल में इसने अपना काम कंप्लीट किया है और ये बोला गया कि जो इस चीज के लिए इसको भेजा गया था वहां पर मार्स पर, वो रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो रिजल्ट इसके द्वारा यहां पर कंप्लीट नहीं किए गए। ठीक है, तो ये नासा का प्रोजेक्ट था, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आंसर है इसका यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहां पर सोलर पावर के बारे में या सोलर मार्केट के बारे में। रिसेंटली अभी बोला गया 2017 में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट उभर कर आई जापान और यूएसए से पहले। पहली स्टेटमेंट यहां पर ये है। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर बोला जा रहा है कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सोलर पार्क है वो अभी शक्ति स्थल तमिलनाडु में देखने को मिला। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए इसमें ओनली वन बोला गया, बी में ओनली टू, सी में बोथ, या फिर डी में कोई सी भी नहीं। तो जानते हैं क्या है इसका आंसर सही, आइए एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पर जो बात की जा रही है वो है डी, यानी कि बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। कहने का मतलब क्या है यहां पर, कहने का मतलब यहां पर यह है कि थर्ड तो है पर लेकिन चाइना और यूएसए से बाद में जापान यहां पर नहीं है। ठीक है, इंडिया है यहां पर, चाइना और यूएसए है, ना कि चाइना यूएसए और इंडिया है। ठीक है, वो सॉरी जापान, जापान नहीं है, जापान की जगह चाइना होगा। ये शक्ति स्थल है जो यहां पर ये लॉन्च किया गया था, ये जो सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के थे उनके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया था वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क। इसी के साथ में जो खर्च करने की बात की गई थी यहां पर, ये बात की गई थी 16,500 करोड़, और कर्नाटका के अंदर है ये, ना कि तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर डी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है ई अशुद्धि के बारे में। तो क्या है ये ई अशुद्धि? पहला बोला गया कि एक तरीका ऐप है जो एजुकेट करता है सिटीजन को इल जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड, जो खासकर एंटीबायोटिक से रिलेटेड जो भी उसके इल इफेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करता है। दूसरा बोला जा रहा है एक तरीका पोर्टल है यहाँ पर जो कि जो फिक्स डोज होती है, खासकर जो आप लोग बोलते हैं ना फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन, जिसमें आप लोग एक ही गोली कई सारे रिजल्ट निकाल देती है कि सर का दर्द भी ठीक हो गया, बुखार भी ठीक हो गया, वो तमाम मुद्दे, तो इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में जब बात करते हैं कि जो पोर्टल है ऑनलाइन लाइसेंसिंग के लिए आयुष मेडिसिन, यानी कि आयुष से रिलेटेड जो मेडिसिन है उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जेनरिक ड्रग जो कि जन अशुद्धि केंद्र पर मिलती है उनके लिए, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो आंसर है यहाँ पर सी, ये एक तरीका ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि एक तरीके की वेबसाइट है, ऐप नहीं है, वेबसाइट है, जो कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई थी ताकि जो मेडिसिन है यहाँ पर वो प्रॉपर वे में यहाँ पर मिल सके लोगों को। देखिए आप लोगों को पता है आज की डेट में आयुष, सिद्धा, ये यूनानी, होम्योपैथी, इनके ऊपर काफी काम किया जा रहा है, तो उसी के चलते इसको आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। तो आंसर आप लोगों के सामने हो गया सी, यानी कि एक पोर्टल है जहां पर लाइसेंसिंग दी जाती है आयुष मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आयुष से रिलेटेड आप लोगों को मेडिसिन चाहिए कोई उस तरीके से तो उसके लिए लाइसेंस दी जाएगी, जो भी स्टोर यहां पर खोलेगा फिर वो अपनी दवाइयां बेच सकता है, तो ये एक ऐसा पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के द्वारा रिसेंटली अभी एक लिस्ट जारी की गई जिसमें बोला गया चैंपियन सर्विस सेंटर, यानी कि वो सर्विस सेंटर जो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके बारे में बात की गई। तो कौन कौन से सर्विस सेंटर हैं यहाँ पर? तो पहला है यहाँ पर कम्युनिकेशन सर्विस सेंटर, एनवायरमेंट सर्विस सेंटर, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और इसी के साथ में जो है यहाँ पर एजुकेशनल सर्विसेज। तो इसके अंदर इनके द्वारा टोटल 12-13 के यहाँ पर नाम रखे गए, ये आप लोगों के सामने है जिनके नाम यहाँ पर रखे गए। ये सर्विस सेंटर हैं जो कि यहाँ पर काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और उन पर फोकस देने की भी यहाँ पर बात की गई थी और ज्यादा, ताकि और अच्छे लेवल पर उनसे काम कराया जा सके। तो इसमें से जो चार नाम दे रखे हैं इन बारे में से, ये चारों के चारों सही हैं, यानी कि आंसर यहाँ पर सी है। और बेसिकली वो सेंटर है जहां पर गवर्नमेंट अपना फोकस और ज्यादा देना चाहती है ताकि सर्विसेज जो है वो एक अच्छे लेवल की प्रोवाइड कराई जा सके। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका सी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोग जरूर ढंग से एनालिसिस नहीं करते हैं चीजों का तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। बोला जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जीडीपी का वो नियरली स्टैग्नेंट रहा, यानी कि एक तरीके से स्थिर रहा लगभग 2 डिकेड। अगर 20 साल का हम लोग एक तरीके से ब्यौरा निकाले तो हमारी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग एक ही पैटर्न में चलता हुआ नजर आया। आगे बात की जा रही है ऑल जो एशियन इकोनॉमीज हैं अगर उनकी हम लोग बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट साइज रहता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। कॉमन सेंस में बात कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आप लोगों को बोला गया है। तो बोला जा रहा है ओनली वन, ओनली टू, बोथ और इसके अलावा नन, इनकरेक्ट पूछा गया है। जब एशियन इकोनॉमी की बात करते हैं और ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग चाइना को भूल गए? तो हम लोग लार्जेस्ट कैसे हो गए? तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गई यहाँ पर, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बिल्कुल। नियरली लगभग अगर आप लोग मोटा मोटा तौर पर देखेंगे तो 2 डिकेड तक यहाँ पर काम चला जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ना कहीं स्टेबल रहा हमारी कंट्री का, अगर आप लोग कंपेयर कर देखेंगे तो आंसर बी हो गया यहाँ पर। और अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर, ये एशियन नहीं है, साउथ एशियन की अगर बात करें तो वहां पर हमारा काफी अच्छी पोजीशन रही। साउथ एशियन में हम लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बने और 15% लगभग जीडी में कंट्रीब्यूशन रहा इसका लगभग 2 डेकेड तक अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से आंसर आप लोगों के सामने बी हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये बात की जा रही है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको RATS, रेट्स जिसको बोला गया, ये रिलेटेड टू किससे है यहाँ पर? बात की जा रही है
यहाँ पर आसियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो साउथ ईस्ट नेशन है उसके बारे में बात की जा रही है, दूसरा G7 की बात की जा रही है, तीसरा नेटो की बात की जा रही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा बात की जा रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है ये बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर है इसका आंसर है डी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, जिसको आप लोग SCO भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है और 2017 में मेंबर बना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। एक तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों को बताया, पेरेंट्स जो होते हैं उनसे बच्चों के गुण काफी मिलते जुलते हैं, कई बार चेहरा देखने को मिलेगा, कई बार आंखें, कई तरीके ऐसी चीजें होती हैं, बोलते हैं ना कि नाक तो बिल्कुल पापा पे गया है, नहीं आंखें बिल्कुल मम्मी पर गई हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये जेनेटिक लक्षण होते हैं जो बच्चों में उनके पेरेंट्स से आते हैं। तो अगर यहाँ पर जीन सीक्वेंसिंग की जो बात की जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका डेटा इकट्ठा करने की बात की जाती है, कई बार उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर बोला जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है, अगर उससे आइडेंटिफाई किया जाए तो जो डिजीज रेजिस्टेंस है यहाँ पर आज की डेट में, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, खासकर अलग अलग प्लांट्स के बारे में भी या फिर इंसानों के बारे में भी यहाँ पर इसकी बात चल रही है, कई बार हम लोग को देखने को मिला है। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये टेक्निक जो है वो हेल्प करेगी रिक्वायर करने के लिए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को यहाँ पर बनाने में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली गई है। तीसरा बोला गया यहाँ पर, ये एक तरीके से जो भी बीमारी है और जो क्रॉप है यहाँ पर उनके साथ में, रोग संबंधी से जो उनकी डिजीज है यहाँ पर जिसका रिलेशन रहता है, उसको अंडरस्टैंड यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर इसीलिए बात की जा रही है, आंसर तो इसका डी हो गया, बार बार ये इसीलिए न्यूज में रहता है। बात ये करते हैं कि अगर इंसानों के बारे में पता लगाया जा सकता है, अगर पता हो कि एक इंसान की हिस्ट्री ऐसी रही है, आगे चलकर क्या उसको ये बीमारी हो सकती है उसके बच्चों को, तो उनके बारे में यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए ये काफी न्यूज में था और यहाँ पर क्वेश्चन भी बना, और फिलहाल भी अभी न्यूज में, फ्यूचर में भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो हल्का सा आइडिया माइंड में आप लोग जरूर रखिएगा। ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाया जा सके। PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए और PDF वगैरह सब यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।